नमस्कार, मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 239 गज में बने हुए 3 BHK फ्लोर, और ये फ्लोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के ये फ्लोर बने हुए हैं और अगर आप इन्हें खरीदते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ सुविधाएँ मिलेंगी, कैसा यहाँ एरिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर हैं और इनका जो साइज़ है वो 200 मीटर का है, और अगर मैं गज में आपको बताऊं तो ये 239 गज का आपको इसमें साइज मिलेगा। ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। ऊपर देखिए आपका फोर सीलिंग इस पर हो रखा है, बहुत बड़ा स्पेशियस फ्लोर है ये, और इसमें आपको 3 कमरे मिलेंगे, मंदिर का स्पेस मिलेगा, काफ़ी बड़ी इसमें आपको किचन मिलेगी। ये 2 कमरे इसमें आपको अंदर की तरफ मिलेंगे और 1 रूम आपको बाहर की तरफ मिलेगा। किचन का स्पेस काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा इसका किचन है और मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ इसे। ये देखिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ प्रॉपर बहुत बड़ा विंडो दिया हुआ है और इसमें नीचे फर्श पे जो है टाइल्स लगी हुई है, कजारिया की टाइल्स लगी हुई है। ये देखिए आपके बिल्कुल सामने जो है पैकिंग रखी हुई है टाइल्स की। और ये अंदर का कमरा है आपका, मैं आपको पहला कमरा दिखा रहा हूँ। इस पर देखिए फोर सीलिंग ऊपर हो रखी है और पीछे जो है वेंटिलेशन के लिए आपको जाल का स्पेस मिलेगा। दोनों कमरों में विंडो लगा हुआ है, दोनों कमरों में आपको अटैच बाथरूम मिलेगा। बाथरूम का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा स्पेस आपको मिलेगा, ऊपर तक इसमें जो है टाइल्स लगे हुए हैं। और ये कमरे के अंदर आपको एक स्टोर रूम मिलेगा जो ये सामने आप देख रहे हैं। ये फ्लोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस फ्लोर की जो कीमत है वो आस्किंग प्राइस जो है इसका 70 लाख रुपए है, और बाकी जब डील पर बैठेंगे तो जो भी इसमें कम ज़्यादा होगा वो आपका मौके पर कर दिया जाएगा। ये आपका दूसरा रूम है, इसमें देखिए कमरे में आपकी फोर सीलिंग हो रखी है, और ये देखिए बाथरूम जो है आपको इसमें अटैच मिलेगा। इसका स्पेस भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बाथरूम आपको मिलेगा, और ये फुली मॉड्यूलर आपका जो है बाथरूम रहेगा। नीचे फर्श स्पेस के टाइल्स लगी हुई है। ये पीछे आपका जाल का स्पेस है, अभी इसमें जाल लगेगा। अवंतिका 2 की ये लोकेशन है, इस लोकेशन का मैं पूरा वीडियो पहले बना चुका हूँ तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी आप एरिया की ले सकते हैं कि कैसा एरिया है। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया है और इसमें 3 कमरे बने हुए हैं और 3 ही आपके इसमें बाथरूम रहेंगे, 2 अटैच हैं और 1 कॉमन है। ये आपका कॉमन बाथरूम रहेगा, ऐसा देखिए ऊपर तक टाइल्स इस पर लगी हुई हैं, और वेंटिलेशन के लिए इसमें पीछे ये विंडो दिया हुआ है। 1 रूम आपको इसमें बाहर की तरफ मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका बाहर की तरफ रूम रहेगा। इसमें भी आपको छत पर फोर सीलिंग मिलेगी और विंडो देखिए आप, काफ़ी बड़ा विंडो वेंटिलेशन के लिए इसमें लगा हुआ है, और आपकी जो बालकनी है उसका स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसमें आपकी SS की ग्रिल एंड टफेन ग्लास में आपको बालकनी ये मिलेगी। ये दोनों तरफ से बालकनी में स्पेस रहेगा, आप रूम से भी जा सकते हैं, और आपका जो डाइनिंग एरिया है यहाँ से भी आप जो है बालकनी में आ सकते हैं। तो ये देखिए आपकी काफ़ी बड़ी बालकनी है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊँगा कि जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फ्लोर तो ये किस तरीके के आपको मौके पर मिलेंगे। तो ये आपका पूरा लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, 3 BHK ये फ्लोर बना हुआ है, और इसमें आपको 3 टॉयलेट मिलेंगे, 1 किचन है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका इस तरह से लगेगा, इस तरह से आपकी इसमें बालकनी रहेगी और ऐसी इसकी फर्निशिंग हो करके आपको ये मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।